हेलो स्टूडेंट्स, एसएसडीएन प्रोजेक्ट्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो देख रहे हैं, हम डिफरेंस देख रहे हैं सेफ एज फाइल, जो यहां पर आप देख रहे हैं। इस फाइल में आप देख पा रहे हैं कि जो एज होती है, जो किनार का हिस्सा होता है, उसमें किसी भी तरीके की आपको टीथ नहीं दिख रहे हैं। जो आप देख पा रहे हैं, इसमें टीथ नहीं दिख रहे हैं। जबकि दूसरी ये नॉर्मल फाइल रखी हुई है इसी के पीछे, इसमें आप देखेंगे तो टीथ दिख रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये नॉर्मल फाइल है, इसकी जो एज, जो किनारे होते हैं, उसमें टीथ कटे हुए दिख रहे हैं। वहीं ये जो आप फाइल देख रहे हो, जिसे सेफ एज फाइल बोला जाता है, इसमें जो टीथ होते हैं वो नहीं दिख रहे हैं। तो इस फाइल का उपयोग क्या है, इसे किन परिस्थितियों में यूज किया जाता है, ये हम प्रैक्टिकल के माध्यम से देखेंगे। देखिए, ये हमने अभी यहाँ पर रखा हुआ है, ये एक ऑब्जेक्ट है। इसमें अगर मुझे इस फेस पर भी काम करना है, ये वाला जो फेस मैं टच करके आपको दिखा रहा हूँ, इस फेस पर भी मुझे काम करना है, ये वाले फेस पर आप देख पाएंगे, ये वाले फेस पर जहाँ पर मेरी उंगली है, इस फेस पर भी काम करना है, साथ ही साथ इस फेस पर भी काम करना, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों फेस पर अगर मुझे काम करना है। तो जब मैं एक नॉर्मल फाइल का यूज़ करता हूँ, ये मेरे पास एक नॉर्मल फाइल है, आप नॉर्मल फाइल का यूज़ करते हुए देखिए। नॉर्मल फाइल का जब यूज़ होगा, तो चूँकि नॉर्मल फाइल में इस तरफ भी टीथ है और आपके बेस पर भी टीथ है, तो जब ये फाइल को हम चलाते हैं इस तरीके से, देखिए जब हमने इस फाइल को चलाया, तो आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि हमारा जो एम था, उद्देश्य था, वो इस भाग को ट्रिम करना था, इससे मटेरियल रिमूव करना था। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं थोड़ा सा टिल्ट करूंगा अपना कैमरा, तो इस भाग पर भी साथ ही साथ आपका मटेरियल रिमूव हो रहा है, जो कि फ्यूचर में जब ये पूरा ऑब्जेक्ट बनके तैयार होगा, तो इसकी डायमेंशनल एक्यूरेसी को गड़बड़ करेगा, खराब करेगा। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट में हमें सेफ एज फाइल का यूज होता है। सेफ एज फाइल में केवल यहाँ पर ही वर्किंग होगी, इस वाले पोर्शन पर वर्किंग नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए सेफ एज फाइल का यूज, मैं हल्का सा आपको इस फाइल को टिल्ट करके दिखा रहा हूं। देखिए इस फाइल में चूंकि इस जगह पर किसी भी तरीके के टीथ नहीं कटे हैं, तो ये वाला जो पोर्शन है, साइड वाला, इस पोर्शन पर चलते समय किसी भी तरीके का इस पर इफेक्ट नहीं डालेगी। ये देखिए, ये सेफ एज फाइल चल रही है, तो इस तरफ कोई इफेक्ट नहीं डाल रही है। लेकिन अगर इसकी जगह मैं एक नॉर्मल फाइल, जिसकी टीथ मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसका टीथ ये देखिए इस तरफ कटा हुआ है, जब ये चलेगी तो मैं आपको बहुत आराम से दिखा रहा हूँ। देखिए ये इस पोर्शन पर मटेरियल को रिमूव कर रही है। तो ये डिफरेंस होता है सेफ एज फाइल और एक नॉर्मल फाइल में। फिर से हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि सेफ एज फाइल, ये जो है आप देख रहे हैं, ये नॉर्मल फाइल है, इसमें टीथ आपको सारी जगहों पर मिलेंगे। वहीं इसके साथ ही साथ ये रखी हुई है सेफ एज फाइल, जिस पर जो टीथ हैं, वो जो एजेस होती हैं, साइड जो एजेस होती हैं, उनमें एक तरफ होते हैं, एक तरफ नहीं होते हैं। तो अगर कभी आपको कोई फाइल देता है और बोलता है कि ये फाइल कौन सी है, आप पहचानिए, तो आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये फाइल सेफ एज फाइल है और दूसरी जो फाइल है वो सेफ एज फाइल नहीं है। एसएसडीएन प्रोजेक्ट्स में ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे भी हम आपको इसी तरीके के इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो लाते रहेंगे।